इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे संविधान के दो वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, एक बार उनको जरूर देख लें। शॉर्ट ट्रिक में हम आज पढ़ेंगे अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 ही अनुसूचियों को हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे, SSC। ट्रिक का नाम है SSC। SSC का एग्जाम दिया होगा सबने, वही SSC है। देखो ये S इससे मिल सकता है और ये बीच वाला S इससे भी मिल सकता है, मिल सकता है ना। तो ये S इससे मिलेगा तो क्या होगा, SS और भी बनेगा ना। ये S इससे भी मिलेगा और ये S इससे भी मिलेगा, यानी एक SS और एक SC। दो नाम समझ में देंगे, SS और SC, SS और SC, इनकी क्या हुई, जनसभा। SS और SC की जनसभा, किसकी जनसभा, SS और SC की जनसभा से बदला। SS और SC की जनसभा से बदला, क्या बदला, पंचनगर। क्या बदला, पंचनगर, याद हो जाएगा दोस्तों। SS और SC कहां से आया, S इससे मिला SS और S इससे मिला SC, SS और SC की क्या हुई, जनसभा हुई, और जनसभा से क्या हुआ, बदल गया, कौन सा शहर बदला, पंचनगर। सिंपल ठीक है। अब तो देख लेते हैं, ये पहली अनुसूची, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पूरी पांचवी, ये जन, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नवीं, ये दसवीं, ये ग्यारहवीं और ये बारहवीं। बारहवीं होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं कौन सी अनुसूची दिन क्या है। पहला है S, अनुसूची एक, अनुसूची एक। इस S का मतलब होगा स्टेट, स्टेट यानी राज्य, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, राज्य और संघ दोनों का उल्लेख कौन से अनुसूची में हुआ है, कौन से अनुसूची में हुआ है दोस्तों, अनुसूची नंबर एक। दूसरी अनुसूची में भी क्या आ रहा है, S। दूसरी अनुसूची में भी क्या है, इसमें भी क्या है, S। यहाँ इसका मतलब क्या होगा, सैलरी। क्या होगा दोस्तों, सैलरी। सैलरी का मतलब जानते हो, वेतन, वेतन। जो भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, न्यायालय के न्यायाधीश, उन सबकी सैलरियों का वर्णन किसमें है, अनुसूची नंबर दो में। तीसरे नंबर में है O, अनुसूची कौन सी होगी, वो अनुसूची कौन सी है, तीन, तीन में क्या लिखा मैंने, O। O का मतलब ओथ, O का मतलब ओथ, ओथ यानी क्या होता है, शपथ, यानी जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी शपथ लेंगे उसका उल्लेख कौन से अनुसूची में है, कौन से अनुसूची में है, अनुसूची नंबर तीन में। समझ आ गए। चौथा अनुसूची चार, कौन से अनुसूची, अनुसूची चार, क्या लिखा मैंने, आर। आर का मतलब राज्यसभा में, आर का मतलब राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, राज्यसभा में सीटों के, सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इससे संबंधित उल्लेख कौन से अनुसूची में है, कौन से अनुसूची में है, चौथी में। फिर है SC, SC का मतलब जानते हो, SC यानी अनुसूचित जाति, कौन सी अनुसूची है ये, पांच, क्या लिखा मैंने, SC। SC का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इसका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है, कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर पांच। सर गए दोस्तों, अनुसूची पांच। अनुसूची छह देखिए, अनुसूची छह,
अनुसूची छ क्या लिखा मैंने, जन, जन का मतलब जनजाति, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित अनुसूची है छ। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कौन कौन से राज्यों में के लिए है विशेषकर, तो अनुसूची छ में जनजातियों के बारे में है। अब जनजातियां कहाँ से, जनजातियों से मिलने के लिए मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, असम, अकेला क्यों जाऊंगा, मैं दोस्त को साथ में ले जाऊंगा, यानी मेरे मित्र को साथ में ले जाऊंगा। जनजाति से मिलने का जाऊंगा असम, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, किसको साथ में ले जा रहा हूँ, मित्र को, यानी इसकी ट्रिक होगी मैं मित्र असम चले, मैं और मित्र कहाँ चले, असम चले, किनसे मिलने चले, जनजातियों से मिलने चले। अब यहाँ पे कौन से चार स्टेट आए हैं, मे का मतलब मेघालय, मे का मतलब मेघालय, मी का मतलब मिजोरम, मे का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, और लास्ट में असम, कौन सा है असम। कौन से अनुसूची, अनुसूची छ जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है, और विशेषकर कौन से राज्यों के लिए है, ये चार राज्य मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो इसको याद कैसे लिखेंगे, मैं मित्र असम चले, किसके लिए, जनजातियों से मिलने के लिए, कहाँ गए, मैं और मेरा मित्र असम चले, ठीक है ना, समझ में आ गई। कहाँ तक हो गए हम, छह तक हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे सातवीं में चलते हैं। समझ में आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, ऐसे वीडियो और आते रहेंगे। आपको अगर ये याद नहीं होता कोई बात नहीं, एक बार इनको पढ़ लो, एग्जाम में आते हैं पता चल जाएगा ये क्या ये क्या ये क्या, केवल एक लाइन याद रखनी है जो रोजाना आपको देख रहे हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाऊं। कौन से अनुसूची तक हो गए हम, अनुसूची छ तक, बाद में कौन से सात नंबर पे क्या है, स, अनुसूची, अनुसूची कौन से सात, इसमें क्या लिखा, स, स का मतलब संघ, संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन, संघ व राज्यों की शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन, इसका उल्लेख कौन से अनुसूची में मिलता है, संघ और राज्य की शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुसूची में मिलता है, कौन से अनुसूची में मिलता है दोस्तों, अनुसूची नंबर सात, अनुसूची आठ, अनुसूची आठ ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं इससे। अनुसूची आठ क्या लिखा मैंने, अनुसूची आठ में भा, भा का मतलब भाषा, किनकी भाषा, भारत की भाषा, भारत की भाषाओं का उल्लेख अनुसूची आठ में। अब इसमें थोड़ा मैं लिखा रहा हूँ कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, कितने का था, 14 भाषाओं का उल्लेख था, कौन से अनुसूची में भाषा, अनुसूची नंबर 8। अब 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक और भाषा जोड़ दी, उसका नाम था सिंधी, कौन सी भाषा थी दोस्तों, सिंधी, 14 एक थी, एक और मिली, कितनी हो गई, कितनी हो गई, 15 हो गई। अब 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, उसकी ट्रिक है नेम नहीं है, नेम कौन है, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तीन भाषा जोड़ी गई थी, उसकी ट्रिक है नेम कौन है। आपको पूछ रहे 71वां संविधान संशोधन जब हुआ 1992 में और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो कहते ना नेम ही नहीं है, नेम कौन है, नेम कौन है का मतलब है, ट्रिक देखना, नेम कौन है,
ये तो बनाने हुआ उसका नेम बोले, नेम का मतलब, ने का मतलब नेपाली, ने का मतलब नेपाली, मैं का मतलब मणिपुरी, मैं का मतलब मणिपुरी, और को का मतलब कोंकणी, को का मतलब कोंकणी। कौन सी भाषा है? कोंकणी। कितनी भाषा हो गई टोटल? मोर संविधान में 14 थी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सभी और जोड़ दी, कितनी हो गई? 15। 71वें संविधान संशोधन से कितनी भाषा में जोड़ दी? 3, जिसका नेम कौन है, नेम है नहीं, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, कुल कितनी हो गई? 18। अब बनारस में हुआ संविधान संशोधन और हुआ जलावन में हुआ संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। कब हुआ था दोस्तों? 2003 में। इसमें चार भाषाएं और जोड़ दी गई, तो हो गई भाई। अब चार भाषाएं कौन कौन सी है देखो, 2003 में कौन आ गया? महेंद्र सिंह धोनी। कौन आ गया? महेंद्र सिंह धोनी। और उस मैच में 2003 में जो क्या हो गया, वो बोल्ड हो गया, यानी महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड। चार भाषा हो गई, महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड। अब यहाँ पे एम का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब हुआ मैथिली। एम का मतलब क्या हुआ? मैथिली। एस का मतलब क्या हुआ? संथाली। डी का मतलब क्या हुआ? डोगरी। और बी का मतलब क्या हुआ? बोडो। बी का मतलब बोडो। तो ऐसे भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बनारस संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो कौन कौन सी भाषा की जोड़ी गई थी 2003 में, कौन आ गया था? महेंद्र सिंह धोनी आ गया था, और क्या हो गया था? वो बोल्ड हो गया था, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड। एम का मतलब मैथिली, एस का मतलब संथाली, डी का मतलब डोगरी, और बी का मतलब बोल्ड। और इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसका नेम कौन है, नेम कौन है, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। ओके गाइस, आगे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे 8 तक हो गए, 9, 10, 11, 12, बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन याद रखनी है, और ये थोड़ा आगे अनुसूची को ध्यान से पढ़ना है, ये एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। नीला स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और सब्सक्राइब भी कर दें। अब कौन से अनुसूची में आ गया मैं? अनुसूची 9, इसमें लिखा से, यानी संपत्ति का अधिग्रहण। संपत्ति का अधिग्रहण कौन से अनुसूची में इसका उल्लेख है? अनुसूची 9 में। और इसमें जो विषय है उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, अनुसूची 9 के विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सी अनुसूची के विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? अनुसूची 9 के विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी इंपोर्टेंट ध्यान रखना। अगला है बदलाव, कौन सी अनुसूची होगी वो, कौन सी अनुसूची है बदला? 10, अनुसूची 10। बदला का मतलब दल बदल, यह भी बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? अनुसूची 10 में। और यह कब पारित हुआ था? 1985। ये याद रखना, डेट भी याद रखनी, 1985 ये सन याद रखना। और कौन सी अनुसूची में दल बदल वाला? अनुसूची 10। आगे क्या आ रहा है? पंच, अनुसूची कौन सी होगी वो, अनुसूची कौन सी होगी? अनुसूची 11। पंच का मतलब पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज का उल्लेख कौन से अनुसूची में? अनुसूची 11 में। और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। लास्ट में क्या है? नगर, कौन से अनुसूची में होगा वो? अनुसूची नंबर 12। 12 में क्या है? नगर, नगर का मतलब नगरीय
शासन, नगरीय शासन से संबंधित उल्लेख अनुसूची 12 में है और यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा बहत इस अनुसूची 12 में जोड़ा गया और इन दोनों के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया है, तो अगर नहीं देखा तो आप जरूर देख लें। और यह हमारी ट्रिक एसएससी याद रखना था, अनुसूची आते ही एसएससी याद रखना, एसएससी में एस को एससी मिलाया एसएस और एस को एससी मिलाया एससी, तो एसएस और एससी, इसके जनसभा से क्या हुआ बदल गया पंचनगर, एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था मेन तो भाषा का था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, नेम कोने नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो। ये पूरा एक बार देख ले, एक बार कॉपी पेन लेके उतार ले, निश्चित रूप से आपको ये अनुसूचियाँ समझ में आ जाएगी। और ये जो ट्रिक होती है उनको 2-4 दिन में वापस रिपीट करनी होती है वरना हम भूल जाते हैं, इसलिए आप रोजाना एक नोट कर ले और रोजाना स्मरण करते रहे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।